بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين والصحابة المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ عارف وكرنج شيخ عارف would you like to come would it be easier مفتي صاحب is going to speak in Urdu but we will translate inshallah फदक का जो कदिया है ये तारीख का नहीं है ये पैगंबर की जायदाद और नबी अकरम की बेटी और पहले खलीफा के दरमियान एक कजिया है और हमारे लिए रहनुमा किताब जो है वो किताबुल्लाह है ना नहजुल बलागा है ना बुखारी है और ना उसूल काफी है बुनियाद जो है वो कुरान है तो हमने ये देखना है कि इस मसले पर कुरान हमारी रहनुमाई क्या करता है यहां शिया और सुन्नी के दरमियान ये मामला चलता है कि सुन्नी ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह की तो ये प्रॉपर्टी थी ही नहीं ये तो माल फै था तो जब रसूलुल्लाह की मलकियत साबित हुई तो विरासत कहां से आ गई और बकौल शिया के अगर उन्होंने हिबा किया है अपनी बेटी को तो उस माल के मालिक नहीं थे तो हिबा कैसे कर लिया है तो कुरान जो शेख रजानी ने और शेख अब्दुल हमीद कसूरी ने जो आयत पेश किया है सूरह अल हशर की इसी के अंदर रसूलुल्लाह की मलकियत साबित है मा अफा अल्लाह अला रसूली मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब वलाकिन अल्लाह युसल्लित रुसुलहु अला मन यशा मेरा पॉइंट ये है युसल्लित रुसुलहु तसल्लत क्या है उलमा बैठे हैं वो करेंगे उलमा बैठे हैं वो जानते हैं कि तसल्लत क्या चीज होती है तो ये तसल्लत का जो लफ्ज है ये पैगंबर की मलकियत को जाहिर कर रहा है एक ये पहला पॉइंट है दूसरा ये है कि क्या नबी की विरासत होती है या नहीं यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़कर मिस्लु हज़्ल उन्सैयैन सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बता दिया है कि तमाम उम्मत की तमाम मुसलमानों की विरासत है और इसके अंदर वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अकरबून वलिकुल्लिन यहां वलिकुल्लिन का जो लफ्ज है ये मेरा पॉइंट है कि हर एक के लिए हमने विरासत मुकरर की है विरासत का कानून हमने तय कर दिया है अब ये चाहिए कि रसूलुल्लाह की अगर विरासत नहीं है वो इस वलिकुल्लिन जअलना के अंदर शामिल नहीं है तो कुरान को बताना चाहिए कोई ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह को मुस्तस्ना किया गया हो कि सारी उम्मत की विरासत तो चलेगी कुरान के इस कानून के मुताबिक लेकिन पैगंबर की विरासत नहीं होगी उसकी नहीं चलेगी तो लिहाजा कुरान करीम के खिलाफ है ये चीज कि रसूलुल्लाह की विरासत नहीं थी और कुरान ने उनको यहां से खारिज नहीं किया अब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत फातिमा के कलेम के को रद्द करने के लिए जो रवायत पेश की बुखारी में भी है मुस्लिम में भी है दूसरी तमाम शिया किताबों में भी है और सुन्नी किताबों में भी उसके अंदर तीन पॉइंट हैं अभी दोनों उलमा ने दोनों स्कॉलर्स ने वो हदीस पेश की है मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा वक्त कम है उसके तीन अज्जा हैं पहला जुज ये है कि अम्बिया किसी के वारिस नहीं होते यानी वो अपने वालिदैन की विरासत नहीं लेते दूसरा पॉइंट यह है कि अंबिया की विरासत नहीं होती उनका कोई रिश्तेदार और उनके कोई करीबी जो हैं अजीज वो उनकी विरासत नहीं ले सकते और तीसरा पॉइंट यह है कि जो कुछ अंबिया छोड़ते हैं वो सदका है अब यहां सवाल यह है कि अंबिया की विरासत नहीं होती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की विरासत ली है उसमें तीन चीजें थी एक वो उनका मकाम था जिसके जो उनका आबाई मकाम था दूसरा उम्मे ऐमन जो लौंडी थी और तीसरी चीज जो है वो तलवारें और ऊंटनी थी बाज कहते हैं एक से ज्यादा ऊंट थे बाज कहते हैं एक थे चलो एक ही सही हम एक ही पर इत्तेफाक करते हैं तो ये विरासत थी रसूलुल्लाह के वालिद की रसूलुल्लाह ने यह विरासत अपने वालिद से ले ली तो ये कैसे वो कह सकते हैं कि अंबिया विरासत नहीं लेते
आप बचपन में विरासत ले चुके और नबुवत मिलने के बाद आपने कहा हम किसी के वारिस नहीं होते। ये दोनों बातें एक दूसरे के मुतजाद हैं। ये कौल और ये अमल, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो रसूलुल्लाह ने अपने वालिद की विरासत ली है, लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं कि अंबिया किसी के वारिस नहीं होते। दूसरी चीज है कि अंबिया की औलाद जो है उसकी कोई वारिस नहीं होती, वो वारिस नहीं होती तो वो वारिस सुलेमान और दाऊद। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि इन्नी खिफ्तुल मवालिया में वराई, ये उलमा के लिए ये लफ्ज जो है ये काबिल गौर है अहले इल्म के लिए कि हजरत ज़करिया ये कह रहे हैं कि इन्नी खिफ्तुल मवाली, मैं मवाली से डरता हूं, मुझे डर है, इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूं कि मुझे एक वारिस चाहिए। अब यहां जो स्कॉलर ये फरमाते हैं कि ये विरासत इल्म की विरासत थी, नबूवत की विरासत थी, तो खिफ्तुल मवाली को आप कहां लेके जाएंगे? क्या हजरत ज़करिया को अपने मवाली से ये डर था कि वो मेरा इल्म छीन लेंगे, मेरी नबूवत छीन लेंगे? उन्हें डर इस चीज का था कि जो मेरी प्रॉपर्टी है और जो मेरी जायदाद है मेरे बाद मेरे मवाली उस पर काबिज हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब ये उन्होंने मांगा। और इसी चीज को हजरत फातिमा ने हजरत अबू बकर के सामने ये पेश, वो सही मानों में मवाली थे, हमारी पंजाबी जुबान में मवाली कहते हैं मवाली लो खुलासा कर सकते जी बिल्कुल खुलासा कर पिछली सारी किताब तो गुजारिश ये है कि ये है कुरान और ये कह रहे हैं डॉक्टर अली के वक्त नहीं है तो मैं इसको मुख्तसर करता हूं, सिर्फ तारीखी लिहाज से एक चीज पेश करके कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दौर में गवर्नमेंट के कब्जे में रहा सदक, हजरत उस्मान ने सारा मरवान को बख्श दिया। अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी तो तीसरे खलीफा को यह हक किस तरह था कि वो मरवान बिन अल हकम को सारा दे दे? फिर हजरत उस्मान के बाद अमीर शाम माविया बिन अबी सुफियान का दौर आया, उन्होंने हजरत उस्मान के बेटे और हजरत इसको मरवान को और अपने बेटे को इन तीन के दरमियान फदक को तकसीम किया जनाब माविया बिन अबी सुफियान ने। उमर बिन अब्दुल अजीज आए, उन्होंने ये और फिर मरवान ने ये जायदाद विरासत के तौर पर उसकी औलाद को पहुंची अब्दुल अजीज बिन मरवान को, और उसके जरिए से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तक पहुंची। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सारा फदक जो है वो औलाद फातिमा को वापस किया ये कह करके कि ये इनका हक है, इनके साथ ज्यादती हुई है। अब सवाल ये है कि फैसला हजरत अबू बकर का दुरुस्त था, फैसला हजरत उस्मान का दुरुस्त था, फैसला उमर बिन अब्दुल अजीज का दुरुस्त था? और उसके बाद की तारीख इन्होंने बता दी, ये मामून रशीद तक पहुंचता है और मामून के बाद फिर हुकूमत के कब्जे में आया और फिर आज तक बनू फातिमा को वो वापस नहीं मिल सका। तो यहां मेरा पॉइंट ये है कि ये जो हदीस पेश की जाती है ये कुरान के खिलाफ है। अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक कुरान पर पेश करो, दरायत पर पेश करो, अगर इस लिहाज से रवायत ठीक है तो कबूल की जाएगी वरना उसको रद्द किया जाएगा। बुखारी के अंदर रवायत आने का ये मतलब नहीं है कि हम उसको आंखें बंद करके कबूल कर लें, ये रवायत कुरान के शरीयत के खिलाफ है।